दोस्तों, ये वीडियो जो है ना ऑन डिमांड वीडियो है हमारा व्यूअर्स का दोस्तों। तो ऑलमोस्ट हमने 32 दोस्तों बैंक का स्टॉक का दोस्तों वीडियो कवर किया है, फंडामेंटल एनालिसिस का। तो हमारा प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को आप देख सकते हो। अगर आपका कोई पसंदीदा बैंक हो तो उसका फंडामेंटल देख सकते हो। तो आज हम दोस्तों जानेंगे कि इंडियन बैंक कंपनी का स्टॉक के बारे में, इसका बेसिक फंडामेंटल से लेकर थोड़ा एडवांस लेवल तक दोस्तों जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों आज के दिन में देखो दोस्तों 9% का रिटर्न और 1 साल के अंदर पैसा ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा करके दिया है दोस्तों। यहाँ पर कहा जाए तो दोस्तों इस स्टॉक का दोस्तों अगर 52 वीक दोस्तों हाई का यानी हाई कहा जाए और 52 वीक लो तो देखा जाए, तो दोस्तों 52 वीक लो के साथ अगर कंपटीशन किया जाए तो डबल से भी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर है। आज का दिन का अगर कंपटीशन किया जाए और 52 वीक हाई के साथ अगर कंपटीशन किया जाए तो देख सकते हो आप। और दोस्तों नेक्स्ट है कि बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक का एनालिसिस करने में दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एक चीज़ होता है दोस्तों, कासा रेशियो। तो यहाँ पर इसका दोस्तों कासा रेशियो देख सकते हो कितना है, साथ ही साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देख सकते हो इसका, और दोस्तों नंबर ऑफ शेयर कितना है वो भी देख सकते हो यहाँ पर, और पीई रेशियो भी देख सकते हो दोस्तों, और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, बुक वैल्यू दोस्तों अगर कहा जाए तो इसका देख सकते हो कितना है। ठीक है, तो मैंने बहुत दिन पहले भी दोस्तों बहुत सारे दोस्तों को भी कहा था कि इस कंपनी का बुक वैल्यू से बहुत सस्ते में दोस्तों स्टॉक मिल रहा है, जो मार्केट के लिए या तो आपका इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अभी भी देखा जाए दोस्तों तो ये स्टॉक अपना दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कितना अभी ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पर नेट इंटरेस्ट कहा जाए तो देख सकते हो यहाँ पर क्या है कंपनी का, और कॉस्ट ऑफ दोस्तों इनकम देख सकते हो। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग कहा जाए तो 80% दोस्तों ऑलमोस्ट इसका प्रमोटर होल्डिंग है, और साथ ही साथ तो बाकी देख ही सकते हो दोस्तों क्या है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो भी देख सकते हो, आरओसी भी देख सकते हो। नेक्स्ट है कि दोस्तों यहाँ पर कहा जाए तो इसका सीएजीआर देखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि सीएजीआर दोस्तों बहुत ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों। तो इसका 1 डेज का सीएजीआर 9% है दोस्तों, कहा जाए तो अप्रोक्स यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, पर दोस्तों नेक्स्ट है कि दोस्तों 1 वीक का देख सकते हो यहाँ पर कैसा है जो एब्सोल्यूट रिटर्न। ठीक है, पर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो 3 मंथ का भी रिटर्न देखो, 1 यहाँ पर 6 मंथ का भी देख सकते हो, और ईयरली बेसिस का भी देख सकते हो दोस्तों कैसा रिटर्न है। और दोस्तों 3 साल का अगर रिटर्न देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कितना रिटर्न है, और 5 ईयर का भी रिटर्न देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, 5 ईयर के साथ अगर कंपेरिजन किया जाए तो शायद थोड़ा सा कम है, पर दोस्तों उसके अलावा दोस्तों बहुत ही अच्छा है इसका दोस्तों यहाँ पर। अब है कि दोस्तों इसका अगर कंपेरिजन किया जाए तो पहला है प्राइस, उसके बाद है मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसके बाद पीई पीबी ईपीएस आरओई आरओए, उसके बाद दोस्तों नॉट परफॉर्मिंग एसेट दोस्तों। तो इस दोस्तों इसके बारे में अगर कहा जाए तो थोड़ा सा नीचे जाना होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो इसका दोस्तों करेंट प्राइस क्या है, ये तो हमने ऑलरेडी बता दिया है, ये जो पूरा का पूरा डार्क है। ठीक है, हाई डार्क वाला जो लाइन के अंदर है वही इस इंडियन बैंक का दोस्तों यहाँ पर एनालिसिस है यहाँ पर, बाकी तो देख ही सकते हो पी पी भी। सबसे बढ़िया चीज़ ये है दोस्तों यहाँ पर अगर कहा जाए तो नॉट परफॉर्मिंग एसेट दोस्तों यहाँ पर जो एनपीए 2.0 यानी कहा जाए तो 2.2% है दोस्तों, तो वो भी बहुत तगड़ा सा है, बहुत ज़्यादा ही है एनपीए। और पब्लिक सेक्टर बैंक का एनपीए दोस्तों हर साल ऐसा ही दोस्तों थोड़ा सा ड्यू होता ही रहता है दोस्तों। तो नेक्स्ट है कि अगर कहा जाए इस कंपनी का तो आरओई भी देख सकते हो यहाँ पर, सालाना 1 ईयर का कितना था, और दोस्तों 3 साल का, और दोस्तों 5 ईयर का भी देख सकते हो। आरओए भी कहा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो कितना था। ठीक है, नेक्स्ट है कि एनपीए, तो एनपीए देखना ज़रूरी है कि रिड्यूस हुआ है कि नहीं। अगर कोई भी दोस्तों यहाँ पर देखो तो रिड्यूस हुआ है, 5 ईयर पहले जितना दोस्तों इसका एनपीए था उससे दोस्तों घटा, उसके बाद अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ। इसका इफेक्ट दोस्तों लाइव मार्केट में आपको दिखने को भी मिला, किसी कंपनी का अगर दोस्तों एनपीए डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है,
यानी जितने भी लोग लोन ले रहे हैं, हर कोई दोस्तों सही सलामत सही टाइम में चुका रहा है, ठीक है ना। पहले जितना परसेंटेज था उस हिसाब से कम हुआ है, तो दोस्तों ऑब्वियसली मार्केट दोस्तों या तो कहा जाए स्टॉक मार्केट में इसका डिमांड इंक्रीज होगा ही। तो अभी के टाइम पर अगर नेक्स्ट है कि दोस्तों NIM कहा जाए, तो दोस्तों इसका NIM भी देख सकते हो यहाँ पर कितना परसेंटेज है, और दोस्तों CAR कहा जाए तो देख सकते हो CAR भी इतना ख़राब है नहीं। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी कहा जाए तो दोस्तों इसका लाइबिलिटी देख सकते हो कितना है, और दोस्तों नेक्स्ट है कि दोस्तों एडवांस ग्रोथ वो भी देख सकते हो यहाँ पर। अब है कि दोस्तों इसका होल्डिंग देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका होल्डिंग कितना है किसमें, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होल्डिंग कहा जाए तो दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर के पास, उसके बाद दोस्तों DII के पास, उसके बाद FII एंड पब्लिक दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से नेक्स्ट है कि दोस्तों इसका अगर कहा जाए तो प्रोमोटर होल्डिंग का हो या तो जो भी, यानी होल्डिंग में दोस्तों कोई चेंजेस नहीं आया है दोस्तों। देखा जाए तो बड़े इन्वेस्टर ने कभी भी दोस्तों शेयर को सेल किया नहीं, ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूशन अगर कहा जाए तो ये दोस्तों कहा जाए तो देख सकते हो इसका दोस्तों, हमने जो पहले कहा था ना दोस्तों CAR इसका हाई है जो मार्केट के लिए अच्छा है। उसके बाद दोस्तों कंपनी का अगर दोस्तों कहा जाए तो डिलीवरी ग्रोथ प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हो, पास्ट 3 साल का कंपनी हैज़ डिलीवर गुड इनकम ग्रोथ। CAGR का कहा जाए तो देख सकते हो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एडवांस ग्रोथ, तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है। उसका इफेक्ट दोस्तों लाइव मार्केट में आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर बाकी किसी भी बैंक का स्टॉक को एनालिसिस करना है तो प्लेलिस्ट में जाके बाकी स्टॉक को भी आप एनालिसिस देख सकते हो स्टॉक का।